हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज्ड पोएम ए टाइगर इन द जू को, और इसे मैं इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। यूं तो पोएम का कोई क्लास नहीं होता, ये किसी भी क्लास किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे विथ स्पेशल रेफरेंस टू एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट के रेफरेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि इसमें पोएम को एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सीबीएसई के क्लासेस 9, 10, 11 और 12 और इसके अलावा बीएसईबी के क्लासेस 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, और इसके अलावा आपको गुलमोहर रीडर के पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर हर पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस को में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियोस टाइमली और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। तो ये अ टाइगर इन द जू का बिफोर यू रीड दिया हुआ है। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. देखिए, contrast का मतलब समझ लीजिए, contrast का मतलब होता है विरोधाभास। जैसे नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ ना, कोई ऊपर लाइट कलर का शर्ट पहन ले, नीचे डीप कलर का पैंट पहन ले, तो ये भी contrast है। ये मैंने कपड़ों में बता दिया। दूसरा मैं कहता हूँ कि मोहन इज टॉल सोहन इज स्मॉल, यहाँ भी contrast दिखा रहा है कि मोहन इज टॉल बट सोहन इज स्मॉल, ये भी कंट्रास्ट हो गया। तो वैसे ही यहाँ कंट्रास्ट दिखा रहा है दो टाइगर का, एक वो जो नेचुरल हैबिटेट में है और दूसरा जो जू में है। बिल्कुल कंट्रास्ट है, दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग अलग होगी। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू इन द जंगल, तो ये पोएम जो है वो जू से जंगल की ओर जाता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जू की तरफ आता है। यानी पोएम जब पढ़ेंगे तो इसके जो स्टांजाज है उसमें एक किसी में आपको जंगल के टाइगर के बारे में और किसी में जो है वो आपको जू के टाइगर के बारे में है। ठीक है, जंगल का फॉरेस्ट तो होता ही है, जंगल का जंगल भी होता है। जंगल यहाँ एनसीईआरटी के बुक में है, इसको ध्यान रखेंगे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, कह रहा है कि पहले एक बार चुपचाप पढ़िए। एंड से विच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो पढ़िए और ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टांजा आपको बता रहा है ना, कि वो जंगल के शेर के टाइगर के बारे में और कौन सा जू के है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो पोएम होता है तो पोएम का जो एक साथ जो चार लाइन छः लाइन जो भी है उसको एक स्टांजा कहते हैं, जैसे हम पैराग्राफ अदर राइटिंग में कहते हैं वैसे ही। तो ये रहा आपके सामने, ये जो फर्स्ट फोर लाइन्स है ये आपको मतलब एक स्टांजा है। तो कह रहा है ही स्टॉक्स, स्टॉक एल साइलेंट है, ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स। स्टॉक मीन्स होता है चुपके चुपके चलना, धीरे धीरे चलना कह लीजिए, अकड़ के चलना, जिस तरह भी ये चल रहा है। इन हीज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मीन्स जो धाड़ियाँ होती है, जैसे टाइगर के वो ब्लैक ब्लैक सी स्ट्राइप्स होती है, पट्टियाँ होती है, धाड़ियाँ होती है, जो कि विविड है, एकदम क्लियर है। विविड माने सुस्पष्ट, क्लियर, जीवंत, जो भी कह लीजिए। तो वह जो है धीरे धीरे चल रहा है अपने स्ट्राइप्स में, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। क्यों धीरे धीरे क्यों चल रहा है, केज है, छोटा सा जगह है, जंगल तो है ना कि तेज़ी से वो भागेगा, है ना, तो ये केज में है, इसलिए फ्यू स्टेप्स, और चलता भी एक बार में फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और किस पे चलता है, पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट का पैड, यहाँ क्या उसका पैर के नीचे क्या होता है, थोड़ा सा मुलायम सा रहता है ना, पैड्स है ना, गद्दा सा होता है, और वो कैसा, वेलवेट, मुलायम सा। तो जैसा उसका चमड़ी आप देखते होगा उसके सिमिलर में, आपने भले ही उसके बॉडी को नहीं छुआ होगा तो कैट के बॉडी को छुआ होगा, तो वो भी तो वैसा ही वेलवेट सा रहता है, उसी प्रकार से उसका होता है। तो वेलवेट का पैड रहता है, क्वाइट एकदम शांत वो है ना, इन हिज क्वाइट रेज, और हाँ क्वाइट चल रहा है, शांत चल रहा है, और क्वाइट रेज उसका रेज भी, क्योंकि ये ऐसा एनिमल है जिसका रेज होता है, गुस्सा होता है, एंगर होता है, लेकिन क्या वो क्वाइट है, अब इसमें वो अपना गुस्सा कैसे प्रकट करेगा। नेक्स्ट सांजा है, कहता है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, लर्किंग मीन्स होता है छुपे रहना, छुपे रहकर इंतजार करना, मतलब उसे एक्चुअली क्या है, अब आप समझ गए होंगे पहला स्टांजा किस बारे में था। पहला स्टांजा जो है वो एक ऐसे टाइगर के बारे में था जो कि आपको जू में है, वो टाइगर जू में है। दूसरे में ये कह रहा है कि इसे कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, लर्क मीन्स होता है छुपे रहकर इंतजार करना, जैसे घात लगाना, शैडो में किसी छाए में यानी पेड़ वगैरह के पास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और हाँ
फिसलते हुए लॉन्ग ग्रास में, क्यों आप समझ गए होंगे ये इस जगह क्यों कह रहा है, शेडो में रह के ये क्या करता है, अपना प्रे करता है, शिकार करता है, हंट करता है। और ग्रास से भी, आप कभी यदि आप लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह देखिएगा तो लायन उस एरिया में शिकार ज़्यादा करेगा जिसमें टॉल ग्रासेज होते हैं, लंबे लंबे ग्रास होते हैं, मतलब हमारे कमर भर जितनी हो मान लीजिए उतना। उसका दो फायदा होता है, उस एरिया में जो है ना डियर वगैरह हिरण वगैरह ज़्यादा आते हैं, उसको ओपन एरिया भी मिल जाता। तो इसे तो कह रहा है कि शेडो में होना चाहिए, छुपे रहकर इंतजार करता हुआ है, स्लाइड मतलब छुपके छुपके, स्लाइड मीन्स फिसलना, लेकिन यहाँ छुपके छुपके जो है लॉन्ग ग्रास में होकर चलना चाहिए, या फिर नियर द वाटर होल, पानी का होल, बिल बिल माने समझ गए छोटे मोटे जो पॉन्ड है। क्यों? तो वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स होता है मोटा फूला हुआ, यानी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े जो है सो डियर जहाँ से पास करे गुजरे, तो वैसे जगह पे ना होना चाहिए शिकार करने के लिए। लेकिन ये बेचारा तो बड़े बुरी स्थिति में है। फिर आया थर्ड स्टांजा, तो यानी सेकेंड स्टांजा किसके बारे में हुआ, ए टाइगर इन द जो कि फॉरेस्ट में है, जंगल में है। थर्ड स्टांजा है ही शुड बी स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नॉर्लिंग मीन्स होता है गुर्राना, है ना, जो गुर्राता है, अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। क्या घरों के आसपास क्यों, एट द जंगल से, यानी जंगल से निकल करके घरों के पास होता है ना जनरली, कभी कभी ये निकल आते हैं जंगल से, है ना। बेरिंग, इसको पढ़ेंगे बेरिंग, बारिंग नहीं पढ़ेंगे, बेरिंग द वाइट फैंग्स, है ना। बेरिंग मीन्स होता है अनावरण, यानी दिखाना, टू शो, शोइंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स होते हैं जहर के फैंग्स, फैंग्स पढ़ेंगे, फैंग्स नहीं फैंग्स, जहर के दांत, लेकिन इनको जहर का नहीं, इनका वही काटने वाला दांत कह लीजिए, वो जो शिकार करने वाला। तो बेरिंग दिखाते हुए, मतलब जंगल के किनारे से घरों की ओर स्नार्लिंग करते हुए और अपने दांत दिखाते होने चाहिए, और हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाते होने चाहिए, टेररिजिंग द विलेज, और इसकी गुर्राहट सुन करके बल्कि पूरा गाँव डरना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि बेचारा केज में है, है ना, ये तो लोग ही से डरा रहे हैं ना। तो थर्ड स्टांजा भी किसके बारे में हो गया, तो एनिमल्स इन द जंगल के बारे में हो गया। फोर्थ स्टांजा है बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो लॉक किया गया है कहाँ, कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट मतलब ईंट पत्थर सीमेंट का बना हुआ जो है उसको कॉन्क्रीट कहेंगे, है ना, ढालुआ रोड जो होता है देखते हैं उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट रोड। तो सेल में बंद किया गया है बेचारा, इज स्ट्रेंड बिहाइंड बार्स, और वो बार्स यानी लोहे की जो छड़े हैं उनके पीछे उसका स्ट्रेंथ है, यानी उसके पीछे स्ट्रेंथ क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस वो स्टॉक मीन्स होता है वैसे पैर घसीट कर चलना, लेकिन यहाँ चलिए नॉर्मली कहिए चलते हुए। क्या करता है दिन भर में, वो लेंथ ऑफ द केज यानी पिंजरे की लंबाई को नापता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और हाँ विजिटर जो आते हैं उसको भी इग्नोर करता है, क्यों भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जंगल में यदि कोई आदमी नजर आ जाए तो भैया इग्नोर किया उसको, तो अटैक भी बेशक कर लेंगे, नहीं तो गौर से देखेंगे ही। हम लोग सफारी पे जाते हैं तो कम से कम वो गाड़ियों की ओर जरूर देखते हैं, यहाँ तो दिन रात लोगों को देखते देखते, है ना, वो बेचारा इग्नोर कर रहा है। तो ये फोर्थ स्टांजा किसके बारे में हो गया, समझ गए आप, यानी कि वो जो केज में है उसके बारे में, यानी जू में जो है। लास्ट स्टांजा है हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, है ना, वो रात को लास्ट वॉइस सुनता है किसका, द पेट्रोलिंग कार्स, गौर करेंगे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, पेट्रोल, पेट्रोल नहीं है ये, पेट्रोल आपके बाइक कार्स में जो बढ़ाते हैं, लेकिन ये पेट्रोल है, पेट्रोल मीन्स गश्ती, है ना, गश्त लगाने वाला। रात को पुलिस जो है, पुलिस की जो जीप होती है, जिप्सी होती है, वो गश्त लगाते हैं, पेट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग पार्टी उसको बोलते हैं। तो वो किसकी आवाज़ सुनता है, तो पेट्रोलिंग कार्स की, यानी जो जू में है वो पेट्रोलिंग कार एक बार देखता है, कोई जंगल कोई जानवर इधर उधर निकला हुआ तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, कोई कोई चोर वोर तो नहीं घुसाया, बस उसकी आवाज़ सुनता है। हाँ, उसकी आवाज़ सुन के क्या करता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर मीन्स घूरना, देखना, है ना, अपने ब्रिलियंट आइज से अपनी उस ब्रिलियंट आँखों से, उस बेहतरीन आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कहाँ देखता है, उस पेट्रोलिंग पे नहीं बल्कि स्टार्स पे, तारों पे। ये लास्ट स्टांजा भी किसके बारे में था, तो टाइगर इन द जू के बारे में था। लेकिन इसमें एक बात मैं आप लोगों पे छोड़ के जा रहा हूँ, जैसा कि इसकी पोएट लेस्ली नॉरिस ने किया है, कि वो एट द ब्रिलियंट स्टार्स क्यों देख रहा है टाइगर, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, मेरा मानना है कि ये शायद इसलिए कि वो कहता है कि हे ईश्वर, मेरा जो है सो जंगल घर है, कहाँ मुझे लाके फंसा दिया, शायद इसलिए कि आखिर नहीं कहते हैं तारों का दोष है, ग्रह नक्षत्र का दोष है, तो वो तारों का ही दोष है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, शायद ये है। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट बी माइजर टू प्रेस द लाइक बटन, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, बाय बाय।